इसके पहले वाले सैटरडे के दिन हम लोग की वो पूरा सेमिनार जैकिस के बारे में स्टडी किए थे बीएमएस फाइनल ईयर रिबैच और रिबैच दोनों में हम की वो पूरा सेमिनार जैकिस का फ्यूचर टेक्नोलॉजी और उसके बाद फर्स्ट प्रोग्राम नॉन स्टेज सेकंड प्रोग्राम नॉन स्टेज थर्ड और न्यू स्टेज के बारे में चर्चा किए थे। आज हम डायग्नोस्टिक टूल्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा करके मिले दिन बताएंगे, उसके बाद हम वृद्धिशील रूप के बारे में वर्णन करेंगे। फोकस रहेगा तो हम क्या करेंगे, ट्यूबरकुलोसिस मेनिनजाइटिस में डायग्नोस्टिक टूल्स में बताए थे कि हाई इंडेक्स ऑफ म्यूकस एक्सप्रेशन स्पेशली ट्यूबरकुलोसिस इज कम रोज ए लॉन्ग वे इन द डिटेक्टिंग केस ऑफ अर्ली स्टेज। क्या करते हैं, मॉल्टू टेस्ट कराते हैं, एंटी टेंटिव पेडेटिक्स में 5 टू कराते हैं, पॉजिटिव टेम्पोरल टेस्ट ग्रेटर देन 10 ए इन ड्यूरेशन इज हेल्पफुल, ए नेगेटिव टेस्ट डज नॉट एक्सक्लूड टीबी। में पॉजिटिव मिलता है तो ट्यूबरकुलोसिस मेनिनजाइटिस के बारे में सस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस मेनिनजाइटिस के केस में नंबर वन चेक करते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स प्रोवाइड्स मोस्ट डिपेंडेबल इंफॉर्मेशन इट अंडर हाई प्रेशर एंड इज क्लियर और ओकेजनली स्लाइटली टर्बिडेड व्हेन इट इज केप्ट इन अ टेस्ट ट्यूब फॉर 12 आवर्स ए कोहुएव इज फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन shows an increase in cell count from 10 to 500 mm with providence of leukocytes in some cases with acute onset especially in infants. CSF in early stage of TBM may show relatively increasing polymorphonuclear cells. Polymorphonuclear cells increase in time. Biochemical examination shows increased in proteins the level increased मिलता है, where sugar and colloids are reduced मिलता है, sugar and colloids का reduced मिलता है. Absolute confirmation of the diagnosis is obtained by demonstration of the tuberculosis bacilli in the CSF smear by culture. Supporting investigation include chest X-ray, PET view, skull X-ray, CT scan, and erythrocyte sedimentation rate (ESR). A sputum or gastric level may be done. A lymph node biopsy, liver biopsy, or bone marrow may be helpful in case of diagnosis. Biochemical markers that quick results include bromide test, serodiagnosis and test in detecting antigens, antibodies, or immune complex in CSF or at times in serum, usually by enzymes linked to immunosorbent ELISA. Molecular diagnosis is by polymerase chain reaction. Our polymerase chain reaction test हम लोग कराते हैं। और डायग्नोस्टिक टूल्स हमारा ये है, ECDC, WBC, ESR हम लोग कराते हैं, उसमें बेस मिलता है। अब हम लोग के बारे में ट्रीटमेंट के बारे में बताए थे, ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। एंटी ट्यूबरकुलस ट्रीटमेंट में अकॉर्डिंग टू द करंट नेशनल एंड इंडियन एकेडमी ऑफ मेडिसिन रिकमेंडेशन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस सेरेब्रल एडिमा एंड रिस्क ऑफ सच कॉम्प्लिकेशंस आर fibrosis, obesity, and other corticosteroids are strongly recommended. To begin with IV dexamethasone 0.15 mg per kg every 6 hours should be given until red ICP is controlled. Prednisone 1 to 2 mg per kg day for 8 weeks. First 6 weeks full dose. Last 2 weeks trapping is reduction of cerebral edema. The additional measures to reduce cerebral edema 20% when dosed should be continued 100 to 200 IV twice daily for 5 to 7 days. Controlling sugars, anticonvulsants like diazepam
टेन बार रिकॉर्ड एंड प्रिंटिंग टू कंट्रोल कंसम्स। सपोर्टिव मेजर्स में हम लोग क्या करते हैं, गुड नर्सिंग केयर रखते हैं, मेंटेनिंग सब फ्लूड आर एन टेक्सटो डी एन एस फ्लूड का मेंटेनेंस हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड न्यूट्रिशन पर हम लोग विशेष नजर रखते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ रेगुलेशन कॉम्प्लिकेशन लाइक डी सेलिब्रेशन और हाइड्रोफिटनेस प्रोग्नोसिस इसका विदाउट ट्रीटमेंट टीबीएम अमाउंट टीबीएम ऑल्सो TBM almost always ends fatally. Even the treatment mortality is high, mortality figures are relatively higher in infants. These highly adverse cases, stage 3 development of sutures. Delay in starting proper treatment and malnutrition children in developing regions left to occasionally occur in those cases of TBM who receive adequate anti-tuberculous therapy. आज हम लोगों का tuberculosis meningitis का टॉपिक समाप्त हुआ और आज हम इसके बाद गिल्सी रोग के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, गिल्सी रोग के बारे में आएंगे कि हाँ गिल्सी रोग इसके पहले वाला बैच में बताए थे कि गिल्सी कैसे क्या है सेटिका उसको मॉडर्न साइंस में हम करते हैं तो हम गिल्सी रोग के बारे में स्टडी करेंगे। गिल्सी रोग गिल्सी नाड़ी पर दबाव पड़ने कारण रोगी को एक तरफ के पैर में कटी प्रदेश से पैर कटी प्रदेश मतलब इलियक कटी प्रदेश से पैर की उंगलियों तक एक सूल की अनुभूति होती है। क्या है गिल्सी ग्रीसी नाड़ी पर सियाटिक नेक पर दबाव पड़ने के कारण रोगी को एक तरफ से पैर में कटी प्रदेश से पैर की उंगलियों तक तीव्र सूल की अनुभूति होती है, वेदना की अनुभूति। संभवतः ग्रीसी रोग में निम्नलिखित स्रोतस की पुष्टि होती है, कौन कौन स्रोतस है, रक्तवा स्रोतस मांसवा स्रोतस मेदोवा स्रोतस और प्राणवा स्रोतस, ये चार स्रोत का इन्वॉल्वमेंट ग्रीसी रोग में होता है। ग्रीसी रोग में स्फिक प्रदेश से वेदना प्रारंभ होकर मतलब कटी प्रदेश से क्या होता है वेदना प्रारंभ होकर पैर के पृष्ठ भाग से होते हुए क्रमशः पैर तक होती है। इसमें तीव्र सूल तथा आक्रांत पैर का स्तब्ध लक्षण मिलता है, स्टिफनेस मिलता है, सियाटिक नर्व के क्षेत्र में होता है। मॉडर्न साइंस में इसे ग्रीसी नाड़ी शोथ सियाटिक न्यूराइटिस क्या होता है, सेंसेशन ऑफ द सियाटिक नर्व में हमेशा मिलता है, इसको मॉडर्न साइंस में क्या कहते हैं ग्रीसी नाड़ी शोथ सियाटिक न्यूराइटिस या केवल ग्रीसी भी कह सकते हैं, ग्रीसी रोग भी कह सकते हैं, सियाटिका भी कह सकते हैं। तो क्या इसका परिचय हम बताएं कि ग्रीसी नाड़ी पर दबाव पड़ने के कारण रोगी को एक तरफ के पैर में कटी प्रदेश से पैर की उंगलियों तक तीव्र सूल वेदना की अनुभूति होती है। इसमें निम्नलिखित स्रोतस की दृष्टि मिलती है, पहला रक्तवा स्रोतस की दृष्टि मिलती है, दूसरा मांसवा स्रोतस की दृष्टि मिलती है, तीसरा मेदोवा स्रोतस की दृष्टि मिलती है और चौथा प्राणवा स्रोतस की दृष्टि मिलती है। इसको मॉडर्न साइंस में सियाटिक नर्व कहते हैं और या सियाटिक न्यूराइटिस या केवल ग्रीसी रोग भी कह सकते हैं। और इस आयुर्वेदीय संहिता ग्रंथ के सभी पुस्तकों में इसका सभी संहिता ग्रंथों में वर्णन मिलता है। एक विशिष्ट प्रकार की पीड़ा जो कटी प्रदेश से प्रारंभ होकर क्रमशः कटी के पिछले भाग
उरुल प्रदेश, छानू, पिंडली तथा पैर तक जाती है। कहाँ से? पटी प्रदेश से। उस व्याधि को ग्रिसी रोग कहते हैं। क्या होता है? ग्रिसी नाड़ी पर दबाव पड़ने के कारण एक विशिष्ट प्रकार की पीड़ा जो स्फिक प्रदेश से प्रारंभ होकर क्रमशः पटी के पिछले भाग, उरु प्रदेश, जानू, पिंडली तथा पैर तक जाती है, उस व्याधि को ग्रिसी रोग कहते हैं। इसका निदान क्या संहिता ग्रंथों में बताया गया है? निदान बताया गया है कि बात प्रकोपक सभी निदान ग्रिसी के भी निदान बताए गए हैं। अतः बातक व्याधि के सभी निदान जो है ग्रिसी के निदान है। मृदु सैया, आसन पर अधिक देर तक शयन करने या अधिक देर तक बैठे रहने, अत्यधिक पैदल चलने से, चोट लगने से, आघात होने से ग्रिसी रोग होता है। इसका संप्राप्ति विभिन्न प्रकार के बात प्रकोपक आहार एवं विहार का सेवन करने पर बात दोष अथवा बात एवं कफ दोष प्रकोपित हो जाता है तथा रस रक्त आदि श्रोतसों में अधिष्ठित होकर कटी, पृष्ठ, कुरु, जानू, जंघा एवं पैर में शूल उत्पन्न करते हैं, वेदना उत्पन्न करते हैं। इसे ही ग्रिसि रोग के नाम से हम जानते हैं। क्या होता है कि बात प्रकोपक सेवन करने से, बात को प्रकोपित करने वाले आहार विहार के से बात दोष अथवा बात एवं कफ दोष प्रकोपित हो जाते हैं तथा रस रक्त आदि श्रोतसों में अधिष्ठित होकर के कटी, पृष्ठ, कुरु, जानू, जंघा एवं पैर के उंगलियों तक शूल वेदना उत्पन्न करते हैं। इसे ही ग्रिसी रोग कहते हैं। वैसे भी संहिता ग्रंथों में बताया गया है कि पस्ति पुरुषा धानम कटी शक्ति पादावस्थनि तत्रापि पक्वासे विशेषणि बात स्थानम। पक्वासे से विशेष बात का स्थान बताया गया है। संहिता ग्रंथों में क्या बताया गया है? पस्ति पुरुषा धानम कटी शक्तिनि, मतलब शक्तिनि से, कटी प्रदेश से। क्या होता है? कटी प्रदेश से पृष्ठ, कुरु, जानू, जंघा एवं पैर में शूल उत्पन्न करते हैं। इसे ही ग्रिसी रोग कहते हैं। अब संप्राप्ति चक्र के बारे में बताया गया है कि विविध प्रकार के निदान सेवन करने से बात कफ दोष का प्रकोप होता है। बात कफ दोष के प्रकोप होने से धमनी में, शिरा में, नाड़ी आदि में बात का आवरण एवं दोषों का अधिष्ठान होता है। इससे क्या होता है? रस रक्त मांस दुष्टि होती है। रस रक्त मांस दूषित होकर के क्या करता है कि कटी में, पृष्ठ में, कुरु में, जानू में, कटी प्रदेश से लेकर के पैर में शूल उत्पन्न करता है, जिससे ग्रिसि रोग की उत्पत्ति होती है। ग्रिसि रोग का संप्राप्ति घटक इसका क्या है? दोष क्या है? बात कफ प्रधान त्रिदोष है। बात कफ प्रधान त्रिदोष है। दोष क्या है? रक्त मांस मेद नाड़ी संस्थान अधिष्ठान कटी, कुरु, जानू, जंघा और पैर होता है। श्रोतस रक्तवह मांसवह मेदवह अस्थिवह। श्रोतो दुष्टि के प्रकार क्या है? संग, शिरा, ग्रंथि। अग्नि की स्थिति क्या होता है? अग्नि विषमाग्नि होगा या मंदाग्नि होगा। व्याधि स्वभाव आशुकारी होता है। साध्य साध्यता में क्या होता है? व्याधि कृष साध होता है, कठिनाई से ठीक होता है। सामान्य लक्षण क्या होता है? क्लिनिकली सामान्य लक्षण हम लोग क्या कहते हैं रोगी को? ओरिजिन ऑफ पेन फ्रॉम
हिप रीजन क्या होता है, कटिंग प्रदेश में पेन होता है। स्पेसिफिक प्रदेश से वेदना का प्रारंभ होना, ओरिजिन ऑफ पेन फ्रॉम हिप रीजन। दूसरा में क्या होता है, पेन रेडिएट्स फ्रॉम हिप टू थाई, पेन रेडिएट्स करता है हिप से लेकर थाई तक, नी तक, लेग एंड फुट पोस्टीरियरली। पेन रेडिएट्स फ्रॉम हिप टू थाई, नी, लेग एंड फुट पोस्टीरियरली। पेन क्या होता है, क्रमशः कटी प्रदेश से शुरू होकर पृष्ठ, कुरु, जानु, जंघा और पैर की ओर आता है, रेडिएट करता है पैर के तरफ, पैर के उंगलियों की तरफ नीचे आता है। और क्या होता है, स्टिफनेस इन लेग होता है, पैरों में अस्तब्धता होती है, स्टिफनेस ऑफ लेग्स होगा। चौथे में क्या होता है, सभी प्रभावित भाग में सुई चुभने के समान वेदना तथा स्पंदन होती है, नीडलिंग पेन इन द अफेक्टेड पार्ट्स एंड पल्सेशन। क्या होता है, रोगी को सभी प्रभावित भाग में सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है। और पांचवे में बात कफज ग्रंथि में इन लक्षणों के अतिरिक्त क्या होता है, तंद्रा होती है, हैवीनेस इन द बॉडी, शरीर में भारीपन महसूस होता है, अरोचक एनोरेक्सिया होता है और वीकनेस टाइप का, हरासमेंट टाइप का महसूस होता है। ग्रंथि के संहिता ग्रंथों में दो प्रकार बताए गए हैं, बातज ग्रंथि और बात कफज ग्रंथि, दो प्रकार बताए गए हैं। बातज ग्रंथि के सिम्टम क्या है, सुई चुभने के समान वेदना होती है, शरीर में टेढ़ापन होता है, कटी, उरु एवं जानु की संधियों में अस्तब्ध एवं अस्फुरन होता है, स्टिफनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन इन द जॉइंट्स ऑफ थाई एंड नी, टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ द बॉडी होता है। और दूसरा बात कफज ग्रंथि का क्या लक्षण है, अग्निमांद होगा, वर रोगी का एपेटाइट होगा, तंद्रा होगा, ड्रविनेस होगा और एक्सेसिव स्लाइवेशन होगा, मुख से लाला श्राव होगा, ये होता है। इसका साध्य साध्यता क्या है, यह ग्रंथि कृत साध्य होता है, जीर्ण ग्रंथि प्राय असाध्य होती है, बात कफज ग्रंथि दवा चिकित्सा से ठीक हो जाता है। अब हम लोग चिकित्सा सिद्धांत के बारे में जानते हैं कि ग्रंथि का चिकित्सा सिद्धांत क्या है, चिकित्सा सिद्ध प्रयोग करने का विधान क्या है। कंडरा और गुल्प के बीच में, कंडरा और गुल्प के बीच में हम लोग क्या करते हैं, शिरा वेद करते हैं, कुछ लोगों के फिर से हम लोग शिरा वेद करते हैं। दो नंबर में अनुवासन तथा निरुपस्थिति का प्रयोग हम लोग करते हैं, वामन एवं विरेचन के पश्चात स्नेह वस्ती का प्रयोग किया जाता है, आम रहित एवं दीप्ताग्नि होने पर स्नेह वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। चिकित्सा क्या है, चिकित्सा में सबसे पहले हम जानते हैं कि निदान परिवर्तन करना चाहिए, दूसरे नंबर में शोधन चिकित्सा करना चाहिए, सर्वप्रथम क्या करते हैं, रोगी को महाविषगर्भ तेल से स्थानीय अभ्यंग करना चाहिए, महाविषगर्भ से रोगी को स्थानीय तेल लगा करके उसके बाद बातर द्रव्यों से स्वेदन करना चाहिए, पहले स्नेहन करने के बाद रोगी को स्वेदन करना चाहिए। बात कफज ग्रंथि में विशेष करके रुक स्वेदन, बालुका स्वेद या संधन लवण की पोटली बना करके क्या करना चाहिए, स्वेदन करना चाहिए। संधिवादी तेल की अनुवासन बस्ती तथा एरंड मूलाधिक वात की निरु बस्ती अत्यंत लाभदायक होती है, संधिवादी तेल की अनुवासन बस्ती तथा एरंड मूलाधिक वात की निरु बस्ती अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुई है। निबंध की स्थिति में विरेचन योगों का पंचसकार या त्रिफलाचूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं,
समान चिकित्सा में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग समान चिकित्सा में युक्ति पूर्वक प्रयोग करना चाहिए, निदान का परिवर्तन करना चाहिए। और चिकित्सा में हम लोग क्या करते हैं, रोगी को रसनादि गुगुल हम लोग 250 मिलीग्राम, अग्नि तुंडी बटी 250 मिलीग्राम और समीर पन्ना रस 125 मिलीग्राम, तीनों को खरल करके एक मात्रा सुबह और एक मात्रा शाम को हम लोग क्या करते हैं कि निर्गुंडी पत्र रस के साथ देते हैं। क्या देते हैं, रसनादि गुगुल 250 मिलीग्राम, अग्नि तुंडी बटी 250 मिलीग्राम और समीर पन्ना रस 125 मिलीग्राम, तीनों को खरल करके एक मात्रा सुबह और एक मात्रा शाम को हम लोग निर्गुंडी स्वरस से देते हैं। दूसरे नंबर में हम लोग रोगी को क्या करते हैं कि अजमोजादी चूर्ण देते हैं 250 मिलीग्राम, एक मात्रा सुबह और एक मात्रा शाम को ल्यूक वाटर से देते हैं। तीसरे नंबर में भोजनोत्तर हम लोग क्या करते हैं कि अश्वगंधा रिस्ट 20 मिलीलीटर और दशमूला रिस्ट 20 मिलीलीटर, दोनों को समान भाग मिलाकर एक मात्रा सुबह और एक मात्रा शाम को हम लोग रोगी को पीने के लिए देते हैं। रात को सोते समय रोगी को एरंड तेल या एरंड मूल क्वाथ एक मात्रा हम लोग रात्रि के समय देते हैं। एरंड मूल क्वाथ या एरंड तेल 20 से 30 ml हम लोग देते हैं। और उसके बाद पंचकर्म चिकित्सा के लिए लिखते हैं, संधिवादी तेल या महाविषगण तेल में स्थानिक हम लोग अभ्यंग करते हैं, नाड़ी स्वेद करते हैं और उसके बाद हम लोग बालुका पोटली से हम लोग स्वेदन करते हैं। और नियमित रोगी को व्यायाम करने के लिए एडवाइस देते हैं, योगासन और प्राकृतिक चिकित्सा में सियाटिक नर्व पर अधिक दबाव पड़ने के कारण सूज होता है, अतः श्वासन और सुखासन आदि अधिक लाभदायक होते हैं। हल्के हाथों से तुलसी नारियल प्रदेश में क्या करते हैं, मसाज करते हैं, उस जल से कटी स्नान में वाष्प स्नान हम लोग करते हैं, इसीलिए नारी स्वरूप के बारे में बताया गया। ये हम लोगों का जो है आज हम पढ़ाए हैं सियाटिका और इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी, एक्सरे ऑफ डिटेक्टिव डिस नैरोइंग क्या है इसके बारे में हम लोग एक्सरे से पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करके जानते हैं कि डिटेक्शन डिस नैरोइंग क्या है। एमआरआई को फिजिशियन एमआरआई भी कराते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ करा सकते हैं और उसके बाद कंप्लीट बेड रेस्ट हम लोग कर सकते हैं। क्या करते हैं, मॉडर्न में मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है कि कंप्लीट बेड रेस्ट के बारे में बताया गया है, एनाल्जेसिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग एनएसएआईडी ड्रग हम लोग देते हैं, लोकल हीट देकर हम लोग रोगी को रखते हैं और रोगी को एक्सेस पेन होने पर हम लोग मिथाइल कोबालामिन का इंजेक्शन हम लोग देते हैं और 2% हम लोग लिग्नोकेन लोकल एनेस्थेटिक के साथ हम लोग देते हैं। उसके बाद मैनेज द कॉजेटिव फैक्टर ऑफ सियाटिका और उसके बाद पेन का जो मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, ये हम लोगों का आज हम लोग सियाटिका के बारे में हम स्टडी किए हैं कि सियाटिका क्या है, सियाटिका के बारे में बेसिक रूप के बारे में बताए हैं, इसका हम लोग परिचय बताए हैं, निदान संप्राप्ति संप्राप्ति चक्र और संप्राप्ति घटक बताए हैं, परिभाषा के बारे में बताए हैं कि गृहस्थी नारी पर एक विशिष्ट प्रकार की पीड़ा जो स्पीक प्रदेश से प्रारंभ होकर क्रमशः कटी के पिछले भाग गुरु प्रदेश जानु कुंडली तथा पैर तक जाती है, इस व्याधि को गृहस्थी रोग कहा जाता है। निदान के बारे में बताए हैं कि बात प्रकोप सभी निदान गृहस्थी रोग के भी निदान है। संप्राप्ति में हम बताए हैं कि बात एवं कफ दोष प्रकोपित होकर के रस रक्त आदि स्रोतों में अधिष्ठित होकर कटी पृष्ठ गुरु जानु जंगा एवं पैर की उंगलियों तक शूल उत्पन्न करते हैं, वेदना उत्पन्न करते हैं, इस व्याधि को ग्रंथी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद संप्राप्ति चक्र बताए हैं कि बात कफ दोष का प्रकोप होने से धमनी शिरा नाड़ी एवं बात का आवरण एवं दोषों का अधिष्ठान होने से रस रक्त मांस तथा मांस का दूषित होने से ग्रंथि रोग उत्पन्न होता है। इसके बाद फिर हम इसके
सामान्य लक्षण और उसका भेद में दो प्रकार के बताए हैं, बातक विरुचि और बात कथन विरुचि, साध्य साध्यता बताए हैं, किस साध व्याधि है। चिकित्सा में हम बताए हैं कि चिकित्सा सिद्धांत जो इसका है कंडरा और कुल्प के बीच में हम लोग सीधा भेद करते हैं, अनुवासन तथा निरु बस्ती का प्रयोग करते हैं। फिर चिकित्सा में बताए हैं कि संक्षिप्त क्रिया योजना निदान परिवर्जन, और दूसरा बताए हैं शोधन चिकित्सा। सबसे पहले बताए हैं कि प्रसारित तेल या महाविस्फोट तेल से स्थानीय अपमान करते हैं, आहार द्रव्यों से शोधन करना चाहिए, विशेष करके रुक श्वेत जैसे बालिका श्वेत सैंधव लवंग का टोपली बना करके शोधन करना चाहिए। समान चिकित्सा के बारे में हम बताए हैं कि क्या समान चिकित्सा हम लोग करता समान चिकित्सा में चिकित्सा पत्र समान चिकित्सा में युक्ति प्रयोग करना चाहिए। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि व्यवस्था पत्र में बताते हैं कि निदान परिवर्जन, और उसके बाद रसनादि विधि के बारे में बताएं, और वो तुंडी दोनों को 250-50 मिलीग्राम लेकर समीप 15 ग्रास उसमें 125 ग्राम मिलाकर खरल करते एक मात्रा सुबह शाम बिल्कुल 20 वर्ष 30 ml सुबह 30 ml शाम देते हैं। दूसरे में हम बताएँ कि नवजात शिशु 2 ग्राम हम लोग देते हैं, और शंख हस्त उसको मिला दीजिए 250 मिलीग्राम एक मात्रा सुबह और एक मात्रा शाम को देते हैं। भोजन के बाद दशमूरा रिस और अश्वगंधा रिस 30-30 ml सुबह शाम मिलाकर सजल देते हैं। रात को सोते समय एरंड तेल या एरंड मूंग क्वाथ 25-30 ml हम लोग रात को सोते समय देते हैं, और पंचकर्म हम लोग योगी को करने के लिए एडवाइस देते हैं। पंचकर्म महाविस्कर्म तेल से स्थानीय अध्ययन करके उसके बाद ओपी बनाकर बालिका से शोध करते हैं। ये हम चिकित्सा व्यवस्था पत्र के बताते बारे में बताए हैं। उसके बाद योगासन और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बताए हैं कि सियाटिक नर्व पर अधिक दबाव पड़ने का अनुकूल होता है, अतः श्वासन और सुखासन अधिक लाभदायक सिद्ध होते हैं, और हल्के हाथों से तुलसी नदी का मसाज करना चाहिए, उष्ण जल से कटी प्रदेश या वाष्प स्नान करना चाहिए। उसके बाद हमने बताया है कि रोगी को एक्सरे फॉर डिटेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, एमआरआई कराना चाहिए, और ट्रीटमेंट के बारे में बताया है कंप्लीट वेट रेस्ट एनाल्जेसिक एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग एनएसएआईडी का हम लोग यूज करते हैं, मिथाइल कोबालामिन पैराडॉक्सिन का यूज करते हैं हम लोग, और उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ सियाटिका के बारे में ये आज हम लोग सियाटिका के बारे में स्टडी किए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग फेशियल पैरालिसिस और मॉडर्न में वेल्स पंक्सी के बारे में